हैं उन घरों तक जहाँ तक खुशियाँ पहुँचने अभी बाकी हैं। इन सभी बातों का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूँ कि केवल सरकार नहीं बल्कि उनकी मन की बात लाखों मनों को छूती है और देश के अंदर आज ऐसे लाखों नौजवान हैं जिन्होंने मन की बात सोच देखकर सुनकर अपनी सोच बदली है। उनकी सोच मैं से वयम की ओर, अपनों की ओर बढ़ी है। मैं जानता हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप से भी जानता हूँ, उत्तराखंड में भी जानता हूँ ऐसे लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी की जो बात होती है वो उसमें जो साम्यता होती है, प्रभाव उस बात का होता है जब मन, वचन और कर्म तीनों में साम्य होता है, वो बात प्रभावी होती है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी की जो साम्यता है वो बड़ी प्रभावशाली होती है और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रही है। सर, प्रधानमंत्री जी ने नशा की एक बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये युवाओं के लिए कि निश्चित रूप से नशा, ये हर कोई जानता है कि नशा घातक है, नशा नहीं करना चाहिए और नशा से मुक्त भी होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उससे सभी देशवासी सहमत हैं। जैसे उन्होंने स्वयं भी कहा कि जो चेन स्मोकर्स हैं वो भी कहते अपने बच्चों के लिए कि आप स्मोकिंग मत करिए, वही स्थिति आज हमारी है। और मैं समझता हूँ कि लगातार इस पर जागरण के कार्यक्रम करके, जागरूकता ला करके नशे से दूर रहा जा सकता है। जागरण ही उसके लिए एक ठोस पहल है। ठीक है, थैंक यू।